और आपको बताएं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पेरिस में इजलास जारी है। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं, फैसला आज होगा। आपको बताएं, एफएटीएफ के सदर डॉक्टर मार्क्स प्लेयर आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए। फैटएफ का जायजा मिशन पाकिस्तान का दौरा भी कर सकता है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, फेटअप का आज आखिरी रोज है इजलास का, तीन दिन से पेरिस में जारी है। पाकिस्तान के मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ इकदाम का जायजा लिया जा रहा है। खास तौर पर यूएन के जो डेजिग्नेटेड जो ऐसी तंजीमें और अफराद हैं जिन पर पाबंदी है, जिनको दहशतगर्द करार दिया गया है, उनके खिलाफ मुकदमात और उनको सजाएं देने के हवाले का खास तौर पर जायजा लिया जा रहा है इस इजलास में कि पाकिस्तान ने क्या इकदाम किए हैं। आज जो डॉक्टर मार्क्स हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं फेटअप के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे शाम को और उसमें ऐलान करेंगे कि पाकिस्तान का नाम मजीद ग्रे लिस्ट में रखना है या उसको निकालना है। लेकिन अगर पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालना है तो उसके लिए एक जायजा मिशन पाकिस्तान का दौरा करेगा और उसके बाद ही इस हवाले से हतमी फैसला होगा। तो आज शाम तक इस हवाले से जो है अनाउंसमेंट हो जाएगी। बहुत शुक्रिया शकील अहमद।